दर्पण दृश्यमानगत पश्यन्नात्मया बहिर्वोद्भूत यथा निद्रया साक्षात्ते प्रबोधसम स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतगवीर्यपुरुषाप्लावितानाम् नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहताम् ब्रह्म भाव गता बोधधारा विघटित निखिलाकार संस्कार सारा स्वच्छंदम दंद्वनी के प्रतिपद मधुना कामन व्यंजयामा अतसी कुसुमोपमेय कांतिर यमुना कूल कदम्ब मूलवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मंगलम् नः ओम शांति शांति शांति। अभी बच्चे आके कह गए कि स्वामी जी हम लोगों के लिए ध्रुव प्रह्लाद की कथा जैसी कथा सुना, अभी सामने आके खड़े हुए थे। हमारे कुछ दार्शनिक मित्र हैं, दर्शन के विद्वान, तो कहते हैं स्वामी जी आप गंभीर दर्शन शास्त्र पर प्रवचन नहीं करोगे तो और कौन करेगा। कुछ लोग कहते हैं सरल सरल भक्ति पर बोलो। असल में बोलना तो जब 2-5 हजार आदमी इकट्ठे किए तो सरल सरल ही बोलना चाहिए। कठिन कठिन तो कुछ विद्वानों के लिए होता है, और बोलना हो तो कठिन को सरल करने के लिए बोलना, सरल को कठिन बनाने के लिए नहीं बोला जाता, कठिन को सरल बनाने के लिए बोला जाता है। तो पहली बात आपको ये सुनाते हैं कि भक्ति दर्शन और वेदांत दर्शन में एक बड़ी समानता है। वो समानता क्या है कि दोनों वृत्तिवादी हैं। भक्ति चाहती है कि हमारी वृत्ति भगवद आकार हो गए, और वेदांती चाहते हैं कि हमारी वृत्ति ब्रह्माकार हो गए। योगी लोग चाहते हैं कि वृत्ति निरुद्ध हो जाए, समाधि में वृत्ति न रहे, और धर्मात्मा लोग चाहते हैं कि हम धर्म कर्म में इतने लग जाएं कि वृत्ति का ध्यान ही न रखना पड़े रहे। पर भक्ति दर्शन और वेदांत दर्शन दोनों ये चाहते हैं कि हमारी वृत्तियां एक विशेष रूप में बन जाएं। वृत्ति शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है व्यवहार। वृत्ति माने मानसिक व्यवहार, अंतरंग व्यवहार, अंतःकरण का व्यवहार। वृत्ति माने अंतःकरण का व्यवहार। अब देखो आपको भक्ति की बात सुनाते हैं। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि भक्ति क्या है। उनका कहना है कि द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्ति ही भक्तिरित्यभिधीयते। भागवत धर्म का पालन करने से,
भगवान के नाम का जप करो, भगवान की लीला कथा का श्रवण करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो। असल में मनुष्य के संतप्त जीवन में, दुखी जीवन में इसके सिवा और कोई सहारा नहीं है। बिन देखे रघुवीर पद जिए की जरनी में जाए, यदि भगवान के चरणारविंद का दर्शन नहीं प्राप्त होगा तो इस जीवन में जो जलन है वो शांत नहीं होगी। बिन देखे रघुवीर पद जिए की जरनी में जाए, तो नाम जप करो, पाठ करो, लीला का श्रवण करो, भगवान के शील स्वभाव का चिंतन करो, किसी तरह से अपना ये कठोर हृदय जरा पिघल जाए, द्रुत हो जाए। संस्कृत में द्रवित नहीं बोलते हैं, द्रुत बोलते हैं। ये पिघल जाए और पिघल के बहने लगे, फिर उस बहने में धारा हो, प्रवाह हो लगातार। जैसे एक बर्तन से तेल दूसरे बर्तन में डालते हैं तो लगातार उसकी धारा गिरती है, ऐसे अपनी मनोवृत्तियों की धारा बहने लगे और वो बारंबार 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 भगवान में गिरे। जैसे गंगा जी समुद्र में गिरती है, ऐसे मनोवृत्तियों की धारा जब परमात्मा को विषय करने लगती है, बारंबार परमात्मा को ही स्पर्श करने लगती है, तो उस वृत्ति धारा का नाम भगवत भक्ति है। ये मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति की व्याख्या की। भक्ति माने हृदय की कठोरता मिट जाए। कठोरता कहाँ है? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा पकड़ के बैठे हुए, मुट्ठी में रुमाल, गिर न पड़े कोई छीन न ले, मुट्ठी कठोर करके बैठे हुए और भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हुए कि मुट्ठी ढीली पड़ गई, रुमाल कब गिर गई इसका पता ही नहीं चला। तो भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए, उनका ऐसा चिंतन स्मरण होने लग जाए कि ये दुनिया में जो मैं मेरा बसा हुआ है, जिसके कारण घोर अनर्थ सृष्टि में होता है, कितना पक्षपात होता है मनुष्य का भाई भतीजे के लिए, रिश्तेदार नातेदार के लिए। ये मोह ममता ही तो ऐसा करती है ना, उनको पकड़ के बैठे हैं। तो जब हमारी मनोवृत्ति भगवान की ओर चलती है, संसार के संबंध थोड़े ढीले पड़ते हैं, शिथिल होते हैं, स्लथ होते हैं, और मनोवृत्ति भगवान की ओर बहने लगती है, तो उसका नाम है भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति, भक्ति रित्य भी दिए थे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भक्ति का एक धारा रूप माना है। वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब जल बरसता है तो वो देखने में गंदला जरूर है, पर जब वो गंगा जी में मिलता है ना तो गंगा जी बन जाता है। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है और वो बूंद 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 बरसती है। तो क्या उसमें बूंद बूंद क्या है? आप देखना, वर्षा ऋतु आती है और पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, लहलहा उठती है धरती,
अन्न धान्य से, अन्न से तुलसी साली सुदास, धान की खेती तो उसी समय होती है। और उस समय वर्षा ऋतु में दो महीने होते हैं, सावन भादो, तो राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। बिना सावन भादो के वर्षा ऋतु नहीं होती, और बिना राम 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 के उच्चारण के वर्षा ऋतु नहीं होते। तो इस हृदय की ऊसर भूमि में, इस हृदय की कठोर भूमि में ये राम राम सावन भादो बन के आता है और वर्षा ऋतु छा जाती है, और भक्तों के हृदय की खेती उससे लहलहा उठती है। ये वर्षा ऋतु है। अब इसी के जल से गंगा जी की धारा बहती है, तो राम भगत जह सुरसरी धारा, गंगा जी की धारा के रूप में ये धारा भी भक्ति का एक रूप है। तो एक जीवनदायिनी भक्ति हुई जीवनी, और एक पावनी भक्ति हुई गंगा जी की धारा। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को इस धारा से ही संतोष नहीं है, वे एक प्रकाशिनी भक्ति और चाहते हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं तह सही दिया घृत बाती। और वो ढूंढने से मिलती है, उसमें सदगुरु भी चाहिए। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजे प्राणी, पाओ भगत की मन सब सुख खानी। स्वभाव अभी धारा की चर्चा करते हैं। मूल बात हमको ये कहनी थी कि भगवान की ओर प्रवाहित होने वाली चित्तवृत्ति का नाम भक्ति है, और तत्वमस्यादि महावाद के जन्य ब्रह्माकार वृत्ति का नाम तत्वज्ञान है। वृत्ति ही है वो भी, पर वेदांती लोग जीवन में चरमावृत्ति जीवन काल में ही स्वीकार करते हैं कि यदि अंतिम ब्रह्माकार वृत्ति का जीवन में एक बार उदय हो जाए तो बाद में कोई वृत्ति रखने की जरूरत नहीं रहती। परंतु भक्त लोग कहते हैं कि जीवन काल में चरमावृत्ति का उदय नहीं होता, जब तक जीवन है तब तक भक्ति करते जाओ करते जाओ करते जाओ। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि अनुकूल भाव से ईश्वर का अनुशीलन करना भक्ति है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये दूसरे लोगों के शास्त्र चिंतन में और हम लोगों के शास्त्र चिंतन में क्या अंतर है, आओ वर्गीकरण कर देते हैं। हम शास्त्र का चिंतन अनुकूल विधा से करते हैं। शास्त्र के वचन में क्या गुण है, किस देश में, किस काल में, किस व्यक्ति के लिए, किस परिस्थिति में वो हितकारी होगा, हम प्रत्येक शास्त्र वचन में से ये बात निकाल लेते हैं। और जो लोग प्रतिकूल चिंतन करते हैं उनको शास्त्र वचनों में दोष दोष दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो प्रतिकूल विधा से चिंतन करते हैं। उनके चिंतन का प्रकार मननात्मक नहीं है, केवल तर्कात्मक है, और हमारे चिंतन का प्रकार मननात्मक है, हम अनुकूल चिंतन करते हैं। तो आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, जरा भगवान की हां में हां मिलाते चलो। आनुकूल्य का अर्थ यही होता है,
भाई तुम्हारा घर किस किनारे? बोले कि जिस किनारे पर भगवान का घर है उसी किनारे पर हमारा घर है। हम नहीं जानते नदी का ये किनारा, नहीं जानते वो किनारा। जा भेसा मारा साईं रीझे, तोई भेस धरूंगी। जिस भेस से जिस देश में हमारा स्वामी मिलता है, हम तो उसी देश में चलेंगे और वही वेश धारण करेंगे। सूरत बिरहुलिया छाई निज देश, जहान सूरत जहान मूरत पूरन धनी दिनेश। सूरत बिरहुलिया छाई निज देश, यह बिरहिणी सूरती अपने देश में जा रही है, अपने ससुराल जा रही है, जहां हमेशा अपना स्वामी निवास करता है। तो हां, ये सन्यासियों के मंत्र का यही अर्थ होता है। हां, जो हो रहा है सो हां, जो किया जा रहा है सो हां, जो बोला जा रहा है सो हां। सन्यासियों के मंत्र का अर्थ होता है हां। लो, कोई झगड़ा ही नहीं, कोई संघर्ष ही नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। हाँ, अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः अस्तु, संसार के सब प्राणी हमसे निर्भय हो जाएं, संसार के सब निर्भय हो जाएं। एक महात्मा नाव से यात्रा कर रहे थे, नाव में हो गया छेद। तो मल्लाह तो छेद को बंद करने की कोशिश में लगा और महात्मा जी अपने कमंडलू से गंगा जल निकाल के नाव में डालने लगे। महाराज क्या करते हो? इतने में मल्लाह ने छेद बंद कर दिया और पानी निकाल के सब फेंक दिया, नाव ठीक चलने लगी। छेद बंद हो गया और मल्लाह पानी निकालने लगा तो महात्मा जी भी अपने कमंडल से नाव में से पानी निकालने लगे। तो बाबा जी क्या करते हो? कि भाई जब भगवान छेद करके इसमें पानी भर रहे थे तब मैं भी भर रहा था, और जब भगवान ने छेद बंद कर दिया और पानी निकालना शुरू किया तो हमने भी पानी निकालना शुरू किया। हम कोई नाव के नौकर थोड़े ही हैं, हम तो ईश्वर के नौकर हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहाँ यो भी वाह वाह है, यहाँ यो भी वाह वाह है। अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवान की अनुकूलता का अनुशीलन करना, भगवान का अनुशीलन करना परंतु अनुकूल भाव से, हर बात में खुचर निकालना। एक आदमी कहीं जा रहा था, उसने देखा कि बड़े बड़े काशी फल, कोहरे के फल लगे हुए हैं बेल में और धरती पर, 20-20 किलो के एक एक फल। गया आम के पेड़ के नीचे, छोटा सा फल महाराज, चौथाई किलो का। उसने कहा देखो ये क्या ईश्वर की बेवकूफी है कि धरती पर लेटी हुई बेल में तो 20 किलो का फल और इतने बड़े पेड़ में पाव भर का फल, बेवकूफी है। थोड़ी देर बैठ गए, बैठ गए महाराज, इतने में आम का एक फल सीधे उनकी नाक पर गिरा। बोले अरे भाई गलती हमारी, ईश्वर की नहीं गलती, गलती हमारी। अगर ये काशी फल के बराबर, कोहरे के बराबर होता और हमारे नाक पर गिरता तो बिल्कुल फूट जाती। हाँ, ये तो छोटा है इसीलिए हमारी नाक मच गई। बड़ी कृपा की भगवान ने जो आम में छोटा फल लगाया। काशी फल के बराबर लगा देते तो क्या दशा होती, सिर टूट जाता। तो अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, सब जगह से गुण निकाल लेना,
इसमें प्रभु की ये कृपा है, इसमें प्रभु की ये कृपा है, इसमें प्रभु की ये कृपा है, ये भक्त के चिंतन की दिशा है। तो आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करो, उनमें गलती मत निकालो। माखन चोरी में भी उनकी कृपा है, ये आपकी समझ में नहीं आता है तो समझ लीजिए। रासलीला में भी उनकी करुणा है, कुब्जा के घर जाने में भी उनकी कृपा है, कंस को मारने में भी उनकी कृपा है। जहां जहां जो जो लीला दिखती है, जो जो हो रहा है, उसमें भगवान की करुणा को पहचान लेना, उनकी हित भावना को पहचान लेना, इसका नाम भक्ति है। श्री रूप गोस्वामी को इस लक्षण से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें, पांव से उनके लिए चलें, हाथ से उनके लिए काम करें, जीभ से उनके लिए बोलें, आंख से उनके लिए देखें, कान से उनके लिए सुनें, त्वचा से उनके लिए छुएं, नाक से उनके लिए सूंघें, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही हम सब काम करें। हमको जो भगवान ने इंद्रियां दी हैं, इनके द्वारा हम भगवान की सेवा करें। तो कहते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इन इंद्रियों के स्वामी हैं ऋषिकेश, तो इन सेवक इंद्रियों के द्वारा अपने स्वामी को सुख पहुंचाना, ये भक्ति है। अब हम आपको श्रीमद् भागवत की बात सुनाते हैं। भागवत में एक है साधन भक्ति और एक है साध्य भक्ति। तो साधन भक्ति में तो वेदांतियों का कोई मतभेद नहीं है, अद्वैत वेदांती भी साधन भक्ति को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए भक्ति करनी ही चाहिए। सबके ममता साग बटोरी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो दुनिया में मोह ममता है ना आपकी, ये सब कच्चे धागे हैं, पता नहीं कब टूट जाएं। तो इन धागों को मिलाकर एक रस्सी बनाइए और उस ममता के धागों से बनी हुई रस्सी के द्वारा मजबूत हो जाएगी वो, उसके द्वारा भगवान के चरणारविंद के साथ अपने हृदय को बांध दीजिए। माने मोह ममता को भी भगवान के साथ ही जोड़िए। तो भागवत में साधन भक्ति की जहां चर्चा है वहां क्रम से है। देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्वयेवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी पूजा अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशु जाकोशम निगीर्ण मनलो यथा। भक्ति की क्या रीति है? तो बोले कि ये विषयों को प्रकाशित करने वाली जो इंद्रियां हैं, माने जो कान शब्द सुनता है, जो आंख रूप देखती है, जो नाक गंध सूंघती है, जो जीभ स्वाद लेती है, जो त्वचा स्पर्श ग्रहण करती है, ये हमारी इंद्रियां विषयों के प्रकाशन में लगी हैं। ठीक है, इनको अपने काम में लगी रहने दीजिए, परंतु वेद शास्त्र गुरु जैसे बताते हैं उस रीति से इनको मर्यादा में लाकर सत्वगुणी बनाइए,
और सत्वगुणी बनाकर निष्काम भाव से इन्हें भगवान में जोड़ दीजिए। बोले कान से भगवान की बात सुनिए, आंख से भगवान का दर्शन कीजिए, जीभ से भगवान का नाम बोलिए। ये जो विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, इनको निष्काम अनिमित्त अनिमित्त निमित्ते न धर्मेण आराधयन हरिम, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् भक्तिरुत्पद्यते। तो ये जो साधन भक्ति है, ये भक्ति हमारे खजाने को, जो संस्कारों का वासनाओं का खजाना है, उसको जला देती है। जरयत्याशुजात कोसम निगीर्णम अनलो जथा, अन्नमय कोष की वासना, प्राणमय कोष की वासना, मनोमय कोष की वासना, विज्ञानमय कोष की वासना, आनंदमय कोष की वासना, जैसे खाए हुए को अग्नि देवता पचाते हैं, जठराग्नि पचाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये भक्ति जब हृदय में आती है तो हमारी वासनाओं को पचा देती है। सारे दोष जो हैं जीवन में, वे त्याज्य नहीं होते हैं और सारे गुण अपने आप प्रकट नहीं होते हैं। कुछ दोष ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, जो शरीर से होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जो शरीर से होते हैं उनको तो आप छोड़ सकते हैं। और जो दोष आपके मन में हैं, उनको छोड़ने का सामर्थ्य, मन में से निकालने का सामर्थ्य आप में नहीं है, उनको पकाना पड़ता है। जैसे आम कच्चा होता है तो खट्टा होता है, और उसको जब पाल में डाल के पका लेते हैं तो खूब मीठा हो जाता है। ऐसे ये मन मन में जो दोष हैं, राग द्वेष आदि, उनको परिपक्व करके मीठा बनाना पड़ता है। रागादि दोषों को भगवान के साथ जोड़ के, उसमें शक्कर थोड़ी डाल के और भगवान के साथ जोड़ के उनको पकाना पड़ता है। और कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको मिटाने के लिए अपने पास सद्गुण न हो तो अपने बड़े बूढ़ों से प्राप्त करना पड़ता है वो गुण। अपने घर में शक्कर न हो तो किसी से उधार भी लेके काम चलाते हैं। ऐसे जो समदमादी सद्गुण अपने जीवन में न हो, वो बड़े बूढ़ों से थोड़ा उधार लेना आवश्यक रहता है। तो कुछ छोड़ो, कुछ पकाओ। चावल कच्चा रहता है तो खा लो तो बहुत नुकसान करेगा, लेकिन उसी को जब पका के खाते हैं तो वो शरीर के लिए लाभकारक होता है। तो कुछ छोड़ो, कुछ पकाओ और कुछ उधार ले आओ। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न छोड़ने की होती हैं, न पकाने की होती हैं, न उधार लेने की होती हैं, वो सिर्फ समझने की होती हैं। तो कुछ दोष छोड़िए, कुछ मानसिक दोषों का परिपाक कीजिए, कुछ सद्गुण उधार लीजिए, और अंतर्यामी परमेश्वर आपके हृदय में बैठा है, इस बात को समझिए। वेदांती लोग भक्तों पर ही आक्षेप करते हैं कि यदि भक्ति पैदा होगी तो नष्ट भी हो जाएगी। जो चीज पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है, ये नियम है। जद जन्यम तद अनित्यम, जद दृष्टम तद नष्टम, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। अगर भक्ति पैदा की जाएगी तो वो कहीं न कहीं उस आदि वाली होने के कारण उसका अंत हो जाएगा। तो हमारे श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी महाराज ने इसका समाधान ऐसे किया कि असल में भक्ति पैदा नहीं होती है,
वो एक अंतःकरण का स्वतः सिद्ध भाव है। ऐसा कौन है दुनिया में जिसके हृदय में आसक्ति न हो, प्रीति न हो, भक्ति न हो? वो तो हृदय में आनंद स्वरूप आत्मा का जो प्रतिबिंबन है वो स्वतः सिद्ध है और उसी का नाम भक्ति है। वही परम प्रेमास्पद आत्मदेव जो हैं, वो अपने हृदय के सरोवर में, हृदय हृदय में, दहर में प्रतिबिंबित हो रहे हैं और चम चम प्यारे के रूप में चमक रहे हैं। तो भक्ति माने कोई नई चीज पैदा करना नहीं, स्वतः सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। अपने हृदय में जो पहले से ही स्वतः सिद्ध भाव है, परम प्रेमास्पद परमानंद आत्मदेव आत्मेश्वर के प्रति जो प्रीति है, वो विषयों के जंगल में खो गई है और उधर से हटाकर उसको अभिव्यक्त कर देना, प्रकट कर देना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति स्वयं पहले से सिद्ध है, साध्य नहीं है, भक्ति सिद्ध है। इसलिए भक्ति प्रकट होती है और उसका नाश नहीं होता है, वो सदा सर्वदा रहती है। जीवन काल में तो भक्ति की वृत्ति अंतिम होती ही नहीं, मरने के अनंतर भी भगवत धाम में जाने पर भी भगवत आकार भगवत सेवा वृत्ति रहती है और यहाँ तक कि सायुज्य होने पर भी किंचित भेद बना रहता है। तो भक्त लोगों का कहना है कि भगवान अपने लोक में, अपने नगर में बसा लें। बोले भाई, हम दूसरे गांव में नहीं रहना चाहते, जिस शहर में हमारा प्यारा रहता है उसमें रहेंगे। इसका नाम सालोक्य होता है। तो भगवान ने अपनी वेशभूषा धारण करने की भी इजाजत दे दी, अपना पीताम्बर उतार के दे देते हैं, अपनी बनमाला दे देते हैं, कभी अपना मुकुट दे देते हैं। जिस वेशभूषा में हम रहते हैं उसी में तुम रहो, तो इसका नाम सारूप्य हो जाता है। और फिर बोलते हैं कि नहीं, गांव में नहीं, तुम हमारे महल में ही रहो, तो इसका नाम सामीप्य हो जाता है। और जब भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, पास तुम रहो सो बात नहीं, तुम हलवा बन जाओ, हम तुम्हें खा लेते हैं, हमारे पेट में आ जाओ, तुम लड्डू बन जाओ, रसगुल्ला बन जाओ और हम तुमको सब खा लेंगे, हमारे साथ एक साथ हो जाओ, एक एक हो जाओ। बंबई में एक माई है, तो जब हम लोग जाते हैं सत्संग में तो वो गाती है, वो जूता उतारती है पाँव में से और गाती है कि संत तुम हमारे घर पधारो तो हम कचौरी बन जाएं और तुम खा लेना, संत तुम हमारे घर पधारना तो हम रसगुल्ला बन जाएं और तुम हमको खाना। बोलती है कि संत तुम हमारे घर पधारोगे तो हम आलू बन जाएंगे और तुम हमारी सब्जी खाना। ऐसा वो गाना गाती रहती है और आने वालों के पांव का जूता उतार उतार के जमाती जाती है, वृद्ध माता है। तो ये भी एक सुख है कि भगवान हमको अपना भोग्य बना दें। जैसे साधारण मनुष्य रसगुल्ला खा के तृप्त होता है, वैसे भगवान इस जीवात्मा को अपने शरीर में कहीं पचा लें, इसको सायुज्य बोलते हैं। सायुज्य माने भगवान के साथ मिल जाना। तो इन चारों भक्तियों में एक और है सारष्टि। वो जैसे किसी को राज्यपाल बना देते हैं, ऐसे ब्रह्मा बना के कहीं भेज देना, इंद्र बना के कहीं भेज देना, रुद्र बना के कहीं भेज देना, भगवान की भक्ति बनी रहे और सृष्टि में आधिकारिक पुरुष बना देना। भगवान किसी भक्त को वायु बना देते हैं, किसी को अग्नि बना देते हैं, किसी को सूर्य बना देते हैं, किसी को चंद्रमा बना देते हैं, उसको सारष्टि मुक्ति कहते हैं। तो भेद भक्ति का अर्थ क्या होता है? भेद भक्ति का अर्थ हो जाता है भगवान के द्वारा नियुक्त होकर के सेवा कार्य करना, भगवान के नगर का नागरिक बनना, उनकी वेशभूषा में
उनकी सभा का मुसाहिब बन के, पार्षद बन के, संसद सदस्य बन के रहना, और नारायण उनके बिल्कुल सहचर प्राइवेट सेक्रेटरी बन के रहना, ये सामीप्य हो गया। और बिल्कुल भगवान से एक हो जाना, जैसे एक पति पत्नी एक में मिल के रहते हैं और बीच में कोई पर्दा नहीं, इसको सायुज बोलते हैं। तो इन पांचों अवस्थाओं में भेद भक्ति ही अपना काम करती रहती है। सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, सगुण उपासक जो हैं वो कैवल्य मोक्ष नहीं लेते हैं। ताते जे हरि भगत सयाने, मुकुति निरादरी भगति लुभाने। ये जो बड़े बड़े भक्त लोग होते हैं, ये भेद भक्ति को वर्ण करते हैं। यही जाकर अद्वैत वेदांत में और द्वैत वेदांत में, अभेद भक्ति में और भेद भक्ति में थोड़ा अंतर करके, तदपि मुनीस कहहिं कछु अंतर, ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहिं भव संभव खेदा। तो नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर। अब ये जो अंतर की बात है, दोनों में जो भेद है वो कैसा होता है, आप आओ श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत में देखो। ये संसार है सामने और जीव इसको देख रहा है, और जीव भगवान के पीछे बैठकर उसको रोशनी दे रहे हैं, उसको जीवन दे रहे हैं, उसको आनंद दे रहे हैं, परंतु ऐसे पीछे बैठे हैं कि ये जीव उनको नहीं देख पाता। जब जीव को भक्ति प्राप्त होती है, तब क्या विलक्षण बात भक्त के जीवन में आ जाती है कि जो पीछे बैठे हुए भगवान है कभी दर्शन नहीं देते, नचाते तो हैं, विधि हरि शंभु नचावन हारे, संपूर्ण जगत को जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, नाच नटी इव सहित समाजा, विधि हरि शंभु नचावन हारे। जो नचाते हैं सबको परंतु दिखते नहीं हैं। जब भक्ति का अंजन प्राप्त हो जाता है, जब भक्ति भावना से हृदय भावित हो जाता है, जब आंखों में भक्ति का रस आ जाता है, तब वही भगवान संपूर्ण विश्व सृष्टि के रूप में सामने दिखने लगते हैं। तो एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम् निःश्रेयसोदयः। सबसे बड़ा कल्याण मनुष्य का यही है कि जो पीछे बैठा हुआ भगवान है, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा उसको पीछे से उठा के सामने ले आवे और सब जगह उसको देखे। एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसाम् स्वार्थः परः स्मृतः। सबसे बड़ा स्वार्थ दुनिया में क्या है और सबसे बड़ा दुनिया में परमार्थ क्या है, तो भक्ति योगो भगवती तन नामक ग्रहण आदि भी। भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए और भगवान में भक्ति होए। तो स्वार्थ सकल जीव कहाँ ये हा, सब जीवों का सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि भगवान के चरण कमल में अपना स्नेह हो। सखे साच परमारथ येहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। यही स्वार्थ है और यही परमार्थ भी है। सबकर मत खग नायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणारविंद में जो प्रीति है वो एक सर्वसम्मत पदार्थ है। बचपन में हमने रामायणियों का विनोद सुना था, हो कैसे बोलते थे, सबक रमत खगनायक यहा, बगुले से लेकर के और गरुड़ तक,
सबक माने बगुले के सहित, खगनायक माने गरुड़। सबक रमत खगनायक ये हा, बगुले के साथ गरुड़ जी आकर के इसी में रमते हैं। काहे में करी राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरणारविंद में स्नेह करो। सब कर मत और कुछ मत करो, सब कर मत। करें क्या खगना एक ये हा, एक यही करो। क्या करें करी राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरणारविंद में प्रेम करो। सब कर मत ख गना एक ये हा, सबका मत शून्य है और एक गणना करने योग्य संख्या, एक संख्या जो है वो यही मत है और सब शून्य मत है। वो क्या है? एक करी राम पद पंकज नेहा। सबकर मत खग, सबके मत क्या है? चिड़िया की तरह है, ताली बजाई और उड़ गए, कहीं ठौर ठिकाना नहीं। ना एक यहा, एक यही मत है, तो सर्वसम्मत मत है, हटने वाला नहीं है। ना एक यहा, क्या कौन सा मत? करिय राम पद पंकज नेहा, बलराम जी से नहीं, परशुराम जी से नहीं, करिया राम से। करिया राम माने काले रंग के जो रामचंद्र हैं। करिय राम पद पंकज नेहा, ऐसे महाराज रामायणी लोग पहले विनोद भी करना तो भगवत संबंधी विनोद करना है। साले बहनोई के विनोद में कुछ सार नहीं है, मित्र मित्र के विनोद में कुछ सार नहीं है। अगर कभी हंसी मजाक भी करना हो तो भगवत संबंधी हंसी मजाक करना, विनोद करना। तो ये जो भगवान के शरणारविंद में प्रीति है मनुष्य के जीवन में, ये सबसे बड़ी वस्तु है। और बिनु देखे रघुवीर पद जिय की जरन इन जाए। भगवान के शरणारविंद का दर्शन हुए बिना असल में मनुष्य को कभी शांति मिल ही नहीं सकती। हम बड़ी अशांति है महाराज, बड़ी बेचैनी है, बड़ा उद्वेग है, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। करे भाई, भगवान की भक्ति के रास्ते में कभी चले, अगर चले होते तो ये बेचैनी तुम्हारे जीवन में नहीं होती। अब प्रश्न एक ये आता है कि भगवान के चरणारविंद के दर्शन कैसे हों? आप 20वीं शताब्दी, हम जानते हैं 20वीं शताब्दी में बैठे हैं, और लड़के महाराज आते हैं तो कहीं कथा वार्ता की चर्चा हो जाए तो वो यही कहते हैं कि कोई बुढ़े होंगे, कोई बुढ़िया माता होंगी जिनको कथा वार्ता प्यारी लगती होगी। हम लोगों को तो महाराज आहा 2-3 बजे रात तक ताश खेलना अच्छा लगता है, हमको तो जुआ खेलना अच्छा लगता है, हमको तो शराब पीना अच्छा लगता है। लड़के तो ऐसे बोलते हैं महाराज। संध्या वंदन के समय में तो वो नींद में रहते हैं, प्रकाश का आदर नहीं करते हैं। आपको क्या सुना मैं, बंबई में हमारी जानकारी में ऐसे क्लब बने हैं जो दिन में अंधेरा करके रखते हैं। अंधकार क्लब, उनका नाम ही अंधकार क्लब है। और लोग उस अंधकार से प्रेम करते हैं, दिन में जाते हैं वो उसमें, और अंधेरे में कहां क्या कर रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, इसका पता नहीं चलता। अंधकार क्लब बने हुए हैं। रात में जिन क्लबों में जाते हैं उनमें अंधेरा कर दिया जाता है और नंगे हो जाते हैं। नंगे हो जाते हैं तो कहीं उनको पसीना करवाया जाता है, तो कहीं उनको नहलाया जाता है, तो कहीं उनको ठंडक में रखा जाता है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम कथापि खलु पापा नाम अलम अश्चर्य से जता। इन पापों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके कहने सुनने में भी मनुष्य का अमंगल होता है। तो भगवान की भक्ति कहां से मिले, भगवान के चरणारविंद के दर्शन कैसे हों? 20वीं शताब्दी में हम आप बैठे हैं और हम जानते हैं कि यंत्र पर आप ज्यादा विश्वास करते हैं,
और अपने हृदय और अनुभव पर से आस्था खो बैठे हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अनुभव पर से आस्था खो दी, जो वेद शास्त्र पुराण ईश्वर पर जिनकी आस्था नहीं है, पर उनकी आस्था कंप्यूटर पर हो गई, यंत्रों पर हो गई। उन लोगों के बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, हम आधुनिकतम विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन इस युग में हम आपको कहते हैं कि भगवान के चरणारविंद के दर्शन इसी जीवन में होते हैं, इन्हीं आंखों से होते हैं, पर उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो वस्तु चाहिए उसको तो आप अपने जीवन में ले आइए। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। जब आपके हृदय में अनुराग आवेगा, भगवान के प्रति प्रेम आवेगा, तब भगवान मिलेंगे। तो अनुराग कहां से मिले? तो बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणारविंद में दृढ़ अनुराग होने के लिए मोह मिटना चाहिए। और मोह कैसे मिटेगा? तो भगवान की कथा से, चर्चा से। क्योंकि अभी अभी तुरंत हम उनको आंखों से नहीं देख सकते, उनको हृदय से नहीं लगा सकते, तो चर्चा सुनते 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 जब हमारा हृदय सदाकार होगा तब हम उनको देख सकेंगे। मोह हटने के लिए, द भगवत दर्शन के लिए अनुराग चाहिए, अनुराग के लिए मोह की निवृत्ति चाहिए, मोह की निवृत्ति के लिए भगवत चर्चा चाहिए, और बिना सत्संग के भगवत चर्चा प्राप्त नहीं होती। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सत्संग कैसे मिले? बोले भाई, सत्संग मिलने के दो ही उपाय हैं, उनमें से एक को तो उपाय कहेंगे और एक को कृपा कहेंगे भगवान की। उपाय वो होता है जिसको हम कर सकते हैं, और कृपा वो होती है जिसको हम तो नहीं कर सकते परंतु भगवान कर सकते हैं। तो सत्संग कहां से मिले? जब द्रवही दीन दयाल, भगवान जब कृपा करते हैं, गोस्वामी जी ने कहा तब साधु संगति पाइए। सत्संग तब मिलेगा जब दीन दयाल भगवान कृपा करेंगे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। बिना भगवत कृपा के संत की प्राप्ति नहीं होती। तो ये तो हो गई कृपा भगवान की। बोले अब और देखो पुण्य, अब उपाय हम क्या करें? क्या बढ़िया, कहां आकर के ये चोट गिरी अंत में? जो हम कर सकते हैं ऐसा उपाय है, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। सत्संग प्राप्त करने के लिए कुछ पुण्य पुंज करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। हो पुण्य, जो पुण्य कर्म करता है, पुण्य माने पुण्य पवने धातु है, उसका अर्थ होता है जिससे हृदय पवित्र हो उसका नाम पुण्य है। क्या आप इतना भी अनुभव नहीं कर सकते कि किस काम से आपका हृदय पवित्र होता है और किस से अपवित्र होता है? आपके हृदय में कोई श्रद्धा डाल दे तो आपके हृदय में पवित्रता आ जाएगी, और आपके हृदय में कोई संशय डाल दे तो संशय डालते ही नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो आप तो पहचानते हैं कि आपके हृदय में संशय आवेगा तब बेचैनी हो जाएगी, आपके हृदय में श्रद्धा आवेगी तो आपको शांति संतोष की प्राप्ति होगी। तो पुण्य माने क्या? पुण्य माने जिससे श्रद्धा की वृद्धि हो,
आस्था की वृद्धि हो, विश्वास की वृद्धि हो, आपके हृदय में वासना की पूर्ति का रस नहीं, वासना की निवृत्ति का रस आने लगे, तब आप समझें कि आपके हृदय में अब पवित्रता आ रही है। तो पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। आपको देखो ये सुनाया कि भगवान की भक्ति आने के लिए भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए, और भगवत कथा का श्रवण भी संत से करना चाहिए, और संत बिना कारण के भी मिल सकते हैं यदि भगवान की कृपा हो तो, परंतु आपको अपनी ओर से थोड़ा हाथ पांव पीटना चाहिए। वो हाथ पांव पीटना क्या है, अपनी ओर से सबको सुख पहुंचाओ, सबको सुख पहुंचाओ, पुण्य करो, अपने हृदय को पवित्र बनाओ। तो ये जो भगवान की भक्ति है, ये परम कल्याणकारिणी भक्ति है। ये भक्ति आपके हृदय में आ जाए। ये भक्ति के अनेक भाव होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर एक भूषण नाम की टीका है। बहुत टीकाएं हैं संस्कृत में वाल्मीकि रामायण पर। भूषण है, तिलक है, शिरोमणि है, कतक है, तीर्थ है, और ऐसी अद्भुत अद्भुत टीकाएं हैं, और उनमें अद्भुत भाव हैं। अभी तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का इतना सौभाग्य नहीं हुआ है कि उसमें वे उत्तम भाव किसी भी रूप में प्रकट किए जाएं। ऐसी अद्भुत वस्तु भरी हुई है। भूषणकार कहते हैं कि श्री रामानुजाचार्य ने अपने गुरु के मुख से 18 बार वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया, 18 बार, और 18 बार श्रवण करने पर हर बार पूरे वाल्मीकि रामायण का एक नया अभिप्राय ज्ञात हुआ। तो 18 अभिप्राय वाल्मीकि रामायण के श्री रामानुजाचार्य महाराज को ज्ञात हुए, 18 बार वाल्मीकि रामायण का गुरुमुख से श्रवण करने पर। ये भूषण टीका के पहले बालकांड के 5वें सर्ग के प्रारंभ में ही भूषणकार ने ये बात लिखी है। तो आपको नमूने के लिए 3-4 बात उसमें से सुना देते हैं। राम तत्व के प्रतिपादन में ही वेदों का परम तात्पर्य है। ये बात वाल्मीकि रामायण में से निकलती है। राम ही परमाराध्य है जीव के, ये बात वाल्मीकि रामायण से निकलती है। सीता उनकी अभिन्न शक्ति है, ये बात निकलती है। लक्ष्मण उनके परम प्रेमी शेष हैं, शेष शेषी का नित्य संबंध है, सीता जी के साथ अभेद संबंध है और लक्ष्मण जी के साथ नित्य संबंध है। भरत जी दास हैं, शत्रुघ्न जी दासानुदास हैं, हनुमान जी सेवक हैं, और ये सीता जी की करुणा है कि वे एक बार जाकर लंका में निवास करती हैं कि भगवान रामचंद्र वहां अपने सेवक को भेजें और बाद में स्वयं आवें और वहां के राक्षसों का भी उद्धार करें। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, रावण पर विजय प्राप्त होने के बाद, रावण के मरने के बाद
हनुमान जी शुभ संदेश लेकर के जानकी माता के पास पहुंचे। तब माता, रामचंद्र भगवान की जीत हुई, रावण मारा गया, ये शुभ संदेश, शुभ संवाद पहुंचाने के लिए मैं आपके पास आया हूं, और अब आप आज्ञा करें तो इन राक्षसियों ने आपको बहुत सताया है, गर्जना तर्जना की है, धमकाया है, दुख दिया है, आप आज्ञा करो तो किसी को हम पांव से रौंद दें, किसी को हाथ से नोच लें, किसी के बाल उखाड़ दें, किसी को मार डालें। ये राक्षस राक्षसियों ने जो आपको कष्ट दिया है उनसे हम पूरा बदला ले लें। जानकी माता ने कहा, हनुमान चुप, ऐसी बात अपने मुंह से निकालना नहीं, क्यों ऐसा बोलते हो तुम? इससे क्या रामचंद्र भगवान की महिमा बढ़ेगी, उनका यश बढ़ेगा? जिस काम से रामचंद्र का यश न बढ़े वो काम क्यों करना? इससे क्या भक्त की महिमा बढ़ेगी कि राम के भक्त, राम के सेवक हनुमान ने ये काम किया? मैं अनुमति प्रदान करूंगी, मैं तो कहूंगी कि ये सब की सब भगवान की प्रेमिका बन जाए, अयोध्या में हमारे साथ ये सब की सब अयोध्या में चलें और वहां चल करके भगवान रामचंद्र की सेवा करें। श्री जानकी माता वहां हनुमान जी से बोलते हैं, पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहा नाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्जेण न कश्चित नापराध्यति। हनुमान, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई अच्छा हो, वध करने के योग्य हो, वो मनुष्य कैसा है ये देखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आर्य पुरुष का ये कर्तव्य है कि वो सबके प्रति करुणा करे, कार्यम कारुण्यम आर्जेण। आर्य पुरुष का कर्तव्य है कि वो सामने वाले पर करुणा करे। बोले, अपराधी को दंड देना चाहिए? इसके उत्तर में सीता जी कहती हैं कि न कश्चित नापराध्यति, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपराध न किया हो। लक्ष्मण ने भी अपराध किया है, हनुमान ने भी अपराध किया है। तुमने सारी लंका क्यों जलाई? यहां के बच्चों को, स्त्रियों को तुमने तकलीफ क्यों दिया लंका जलाकर? मैंने भी अपराध किया है। लक्ष्मण को दुर्वचन कहे हैं, मैं क्या अपराधिनी नहीं हूं? तो दंड देना हो तो मुझ अपराधिनी को दंड दो, क्योंकि मैंने लक्ष्मण को दुर्वचन कहे। दंड देना हो तो तुम अपने को दंड दो, क्योंकि तुमने लंका के निरपराध प्राणियों को जलाया। दंड देना हो तो न कश्चित नापराध्यति, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, न कश्चित नापराध्यति, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसने अपराध न किया हो। तो आप जब भगवान की लीलाओं को, भगवान की लीला, भगवती की लीला, भक्त की लीला, भगवान की लीला, जब इनको आप सुनते हैं तब आपका हृदय कैसा होता है? और सचमुच आपका हृदय जब पूर्णतम हो जाता है संसार का मोह, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जब ये कथा सुन रहे थे तो आपके मन में कौन सी दुकान थी, कौन सा मकान था, कौन सा परिवार था, आप संसार में कहां मोहांध हो रहे थे ये चर्चा सुनते समय? तो आपके हृदय को पवित्र करने वाली ये भगवान की कथा है, और इससे संसारा शक्ति, प्रपंचा शक्ति।